कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो और श्री राम की जय बोलते हुए और इस बुराई का अंत आपके सामने हो रहा है। अभी यहाँ से एक बड़ा संदेश लेके जाना है कि बुराई का अंत होना चाहिए, अच्छाई की विजय होनी चाहिए। बड़ा ही खतरनाक बारूद है, थोड़ा सा जगह छोड़ दें आप, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, थोड़ा दूर रहे, साइड में रहे और हमारे आला पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्ण सिंह जी राठौर, बहन सुनीता नायक, राकेश खन्ना, आत्माराम जी बागरी, राजस्थान संवाददाता सुल्तान नायक, सभी ने इसका अध्ययन किया। ये बुराई का अंत आपके सामने हो रहा है, ये गजब का नजारा है। ये बुराई है वो चलकर खाक हो गई है और अभी इसके अंदर पटाखे हैं, आतिशबाजी बाकी है, वो बाद में चल सकती है। कृपा करके दर्शक दूर रहे ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो आपके सामने एक बड़ी बुराई का अंत हो चुका है, आप देख रहे हो और दर्शक है वो दूर, इससे दूरी बनाए रखे। और जैसे आपको बताया कि धारमंडी के चारों जो मुख्य द्वार है वो खोल दिए गए हैं और चारों द्वारों से आप आराम से यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। और दर्शक है वो पास में नहीं आएगा कोई, एक बड़ी बात हो रहा है क्योंकि कोई भी नुकसान हो सकता है। दूसरा, अभी इस कार्यक्रम का विसर्जन के बाद में रामनाथ कल की जितने भी कलाकार सदस्य हैं, राम का राजतिलक होगा उसी मंच के ऊपर और वहाँ एक छोटा सा आयोजन किया जाएगा, राजतिलक की रस्म निभाई जाएगी, उसमें सभी कलाकार शामिल होंगे, सभी सदस्य शामिल होंगे। तो बड़ा सुंदर, बड़ी शांति के साथ हमने दशहरा मनाया। मैं पूरे पुलिस प्रशासन, रामनाथ क्लब के पुराने जो सदस्य हैं, जो पुराने कलाकार नए कलाकार हैं, उन सबका, मंडी वासियों का, धान मंडी के मंडल का, कार्यकारिणी का मैं शुक्रगुजार हूँ इस क्लब की तरफ से, इस तरफ से कि इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, माताओं और बहनों ने इतनी गजब की व्यवस्था बनाई और 10 रात्रि तक इन्होंने रात की लीला में पहुँचकर हमारा सहयोग किया। और अभी रामनाथ क्लब के जितने भी कलाकार हैं वो मंच के ऊपर पहुंचे ताकि हम राजतिलक की रस्म अभी हाथों हाथ पूरी कर दें क्योंकि समय हमारे पास बचा है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जो उनकी भूमिका है वो मंच की तरफ पहुंचे और तुरंत बाद हम वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा राजतिलक कर देंगे। और इसके बाद में मैं एक सूचना और दूं, जैसा कि आपको बताया कि देवीलाल जी शाख की तरफ से अगर किसी परिवार में किसी कन्या की शादी है और वो लाइट की व्यवस्था की सेवा देने में असमर्थ है तो वो देवीलाल जी शाख से संपर्क कर सकते हैं, जिनकी सोलह इलेक्ट्रिकल्स लाइट जो डेकोरेशन है जो जामो जी मंदिर के प्रसिद्ध स्थान के रूप में वहाँ चलती है धर्मशाला में, तो वहाँ उनसे आप फ्री सेवाएं ले सकते हैं, जिन्होंने इस लीला से इसकी बड़ी घोषणा की है।